हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस पेडागोजी क्लास। सेकंड हमारा ये क्लास है साइंस पेडागोजी का, और आज के हमारे क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अकॉर्डिंग टू द NCF 2005, गुड साइंस एजुकेशन इज़ ट्रू टू लाइफ। व्हाट डज दिस मीन? सो ऑप्शंस दिए गए हैं। यू हैव टू टेल द मीनिंग ऑफ गुड साइंस एजुकेशन इज़ ट्रू टू लाइफ अकॉर्डिंग टू NCF। सो साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द चाइल्ड मीनिंगफुली। ये तो इसका मीनिंग नहीं है। साइंस शुड एनेबल द चाइल्ड टू लर्न द प्रोसेसेस ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज। ओके, साइंस शुड हेल्प इन लिविंग ईजी लाइफ। साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू डू टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। वैसे तो साइंस के जो है जो एम या ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं ये सभी हैं, लेकिन यहाँ पे हमें गुड साइंस एजुकेशन इज़ ट्रू टू लाइफ के को सेंटेंस को जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू NCF 2005, उसके बारे में हमें बताना है। तो अगर आप ऑप्शन डी पे जाएंगे, साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क का मतलब यहाँ पे है टू मेक द चाइल्ड स्किलफुल। स्किलफुल जब कोई भी बच्चा होगा तो वो उस मीन्स उसकी जो लाइफ होगी, उसकी जो लिविंग स्टाइल होगा वो बहुत ही इजी होगा, बहुत ही मॉडिफाइड होगा। ठीक है, उसका ही कैन एक्वायर द प्रोसेसेस ऑफ द नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, और ही विल एंगेज हिमसेल्फ मीनिंगफुली। सो अगर हम डी पे जाते हैं तो एक सेंटेंस जो है बाकी सभी को जो है अपने अंदर स्टोर करके रख रहा है, दैट इज़ टू मेक द चाइल्ड स्किलफुल। सो डी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। मीन्स साइंटिफिक एटीट्यूड हम बात करते हैं कि साइंस के थ्रू जो है बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना है। सो इन क्वालिटीज़ में जो है कौन सी क्वालिटी है जो साइंटिफिक एटीट्यूड को मैच नहीं करती है? क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर, ऑब्जेक्टिविटी, हार्ड वर्क और ओपन माइंडेडनेस। तो साइंटिफिक एटीट्यूड जिसके अंदर रहता है वो क्यूरियस रहता है, ही और शी विल बी ऑब्जेक्टिव एंड ही विल और शी विल बी ओपन माइंडेड, बट हार्ड वर्क इज़ नॉट द क्वालिटी ऑफ टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड और समथिंग रिलेटेड टू द साइंटिफिक एटीट्यूड। सो हार्ड वर्क इसका आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का जो स्टेप नहीं है उसके बारे में बताना है। नॉट अ स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में आपने उसके जो स्टेप्स होते हैं उसमें हम सबसे पहले सिचुएशन को विजुलाइज़ करते हैं, फिर उसके बाद एनालाइज करते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन के बारे में प्लान करते हैं, देन उसके के ऊपर प्रोसेस करते हैं, मींस सॉल्व करना करते हैं उसको प्रॉब्लम को, और फिर कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम इन ऑप्शंस में से देखें तो विजुलाइज सिचुएशन भी आ रहा है, कंक्लूजन भी आ रहा है, अटेम्प्ट टू सॉल्व भी आ रहा है, बट ऑब्जर्वेशन सी ऑप्शन जो है दैट इज़ नॉट द स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट है हमारा, समटाइम्स द स्टूडेंट्स हैव ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन रिलेटेड टू द वेरियस साइंस कॉन्सेप्ट। व्हाट शुड द साइंस टीचर डू? सो साइंस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बच्चों के अंदर बहुत सारे अल्टरनेटिव कंसेप्शन आ जाते हैं। कुछ उसको उसके पीछे रीजंस जो हैं उनके जो देते हैं वो एक दूसरे से अलग रहते हैं या ऑपोजिट रहते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो साइंस टीचर को क्या करना चाहिए? ही शुड स्कोल्ड द स्टूडेंट्स? नो, दैट इज़ नॉट द वे। ही टेल द स्टूडेंट दैट देयर आइडियाज़ आर रॉन्ग एंड टीच देम करेक्ट कंसेप्ट। तो किसी भी पैडागॉजी क्लास में टीचर जब डायरेक्टली बच्चों को रॉन्ग बता रहा है कि यू आर रॉन्ग, देन दैट ऑप्शन इज ऑलवेज नेगेटिव एंड दैट विल नॉट बी द आंसर। तो बी आंसर नहीं है, इग्नोर भी नहीं आता है साइंस पैडागॉजी में। एज अ टीचर इग्नोर नहीं कर सकते आप किसी को, तो ये भी नेगेटिव है। हेल्प द स्टूडेंट टू रिविजिट देयर आइडियाज़ थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। यस, तो टीचर कैन आस्क द स्टूडेंट्स टू रिविजिट देयर आइडियाज़। दे कैन थिंक अबाउट देयर आइडियाज़ अगेन एंड अगेन थ्रू वे, और दे कैन रीथिंक बाय डूइंग द वेरियस एक्टिविटीज़। तो डी इसका जो है प्रॉपर एक ऑल्टरनेटिव होगा बच्चों को सजेस्ट करने का। नेक्स्ट है, ओपन अ वाटर टैप, एडजस्ट द फ्लो सो दैट इट फॉर्म्स अ थिन स्ट्रीम, चार्ज और रिफिल एंड ब्रिंग इट नियर द वाटर स्ट्रीम।
ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द एक्टिविटी। टीचर ये बच्चों को एक क्लास में इस तरह से सिचुएशन दे रहा है एंड ही इज़ आस्किंग द स्टूडेंट दैट यू हैव टू राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन दिस एक्टिविटी। सो विच स्किल्स आर डेवलप्ड थ्रू दिस एक्टिविटी, विच टाइप ऑफ स्किल्स आर डेवलप्ड इन द स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटेशन ओनली या ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ऑब्जर्वेशन तो हो रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन भी हो रहा है, ठीक है। देन सी है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्रिएटिविटी। तो सी इज़ द राइट आंसर बिकॉज ऑब्जर्वेशन भी हो रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन भी हो रहा है और क्रिएटिविटी भी डेवलप हो रही है। तो तीनों चीज़ें हो रही है, दैट इज़ द सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ आर आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय अ टीचर। ओके, टू आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ आइस आर टेकन आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर। टीचर जो है बच्चों से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, टू आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ आइस आर टेकन आउट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, वन इज क्रश्ड एंड द अदर इज लेफ्ट एज इट इज। इट इज नोटिस दैट द क्रश्ड आइस मेल्ट फास्टर, वट कुड बी द रीजन फॉर दिस, विच प्रोसेस स्किल इज प्रमोटेड थ्रू दिस क्वेश्चन। तो टीचर ने क्वेश्चन पूछा है कि आप दो आइडेंटिकल क्यूब्स लेंगे आइस के, ठीक है, एक को क्रश करेंगे, दूसरे को एज इट इज़ रखेंगे, जो क्रश वाला है वो जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन टीचर पूछ रहा है तो उसका क्या मोटिव है, वो किस तरह के स्किल को प्रमोट करना चाह रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथिसाइजिंग और कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। देखो एक्सपेरिमेंटेशन इसमें क्या है कि चिल्ड्रन जो है इन्वॉल्व नहीं है, दे आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, दे आर नॉट डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स। सो एक्सपेरिमेंटेशन तो नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है तो ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, क्योंकि सिचुएशन दी जा रही है और बच्चों को उसके बारे में सोचना है, उसके रिजल्ट बताने हैं थ्रू देयर थिंकिंग, थ्रू देयर थिंकिंग प्रोसेस। सो मीन्स कहीं ना कहीं पे दे आर हाइपोथिसाइजिंग द रिजल्ट्स। तो यहाँ पे सी जो है वो राइट ऑप्शन होगा, दे आर इमेजिनिंग द सिचुएशन एंड दे आर गिविंग देयर आंसर, दे आर थिंकिंग अबाउट द आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के और साइंस के बीच का रिलेशनशिप बताने के लिए आपको कौन सी स्टेटमेंट जो है बेटर लग रही है। यहाँ पे साइंस इज अ ब्रॉडर एंडीवर वाइल टेक्नोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड एंड ऑफन लोकल स्पेसिफिक। ओके, टेक्नोलॉजी इज मोर क्रिएटिव प्रोसेस एज कम्पेयर टू साइंस, दैट इज़ रॉन्ग, वी कांट कंपेयर द टू थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिएटिविटी। तो बी तो रॉन्ग है, साइंस इज एन एंशियंट एंटरप्राइज बट टेक्नोलॉजी रिलेटिवली रिसेंट। नो, इट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोसीड इंडिपेंडेंटली। नो, दे कांट प्रोसीड इंडिपेंडेंटली, दे टोटली डिपेंड ऑन ईच अदर, दे आर टोटली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज साइंस इज अ ब्रॉडर एंडीवर एंड टेक्नोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड, मीन्स साइंस जो है एक ब्रॉडर एंडीवर है और टेक्नोलॉजी जो है उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो हम प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी और मेकिंग आवर लाइफ मोर लग्जरियस, ओके, थ्रू टेक्नोलॉजी। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज लीस्ट डेवलप्ड अमंग स्टूडेंट्स बाय एक्टिविटी बेस्ड साइंस एजुकेशन। ओके, एक्टिविटी बेस्ड साइंस एजुकेशन से जो है कौन सी क्वालिटी जो है वो लीस्ट डेवलप होगी। पहले लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, विच क्वालिटी विल बी डेवलप्ड अमंग द स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा है लीस्ट डेवलप। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है, लीस्ट डेवलप, डेवलप्ड, मोस्ट डेवलप्ड, ठीक है। सो जब भी हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, तो ओपन माइंडेडनेस डेवलप होती है, क्वेश्चनिंग डेवलप होती है, क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, बट मेमोराइजेशन जो है वो डेवलप नहीं होती है। मेमोराइजेशन जो है मीन्स टू मेमोराइज द थिंग्स। तो जब भी हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में रिटेन होती है, वी डू नॉट नीड टू मेमोराइज द थिंग्स। सो सी इसका आंसर होगा। Which one of the following statement is false about the nature of science? Nature of science से related कौन सी statement जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। Scientific knowledge has a tentative character. Yes, scientific knowledge has a tentative character. Means
कोई भी जब फैक्ट या कोई भी एक स्टेटमेंट दी जाती है तो उसके टेंटेटिव सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। देन उन टेंटेटिव सॉल्यूशन के ऊपर मींस कुछ भी हो सकता है, उसका झुकाव पॉजिटिव की तरफ भी हो सकता है, नेगेटिव की तरफ भी हो सकता है, इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं। लेकिन जब उसके ऊपर एक प्रॉपर वर्क किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसके लिए एविडेंस ढूंढे जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि असली रिजल्ट क्या है। तो पहले टेंटेटिव होता है, देन वी प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस। तो ये तो इसका नेचर है। साइंटिफिक नॉलेज कैन बी प्रूव थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, यस इट इज़ ट्रू। साइंस इज़ वैल्यू न्यूट्रल एंड साइंटिफिक नॉलेज इज़ एन ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो है, तो साइंस इज़ वैल्यू न्यूट्रल जो है इसका आंसर होगा, बिकॉज इट इज़ फॉल्स अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। साइंस इज़ वैल्यू न्यूट्रल, दैट इज़ द फॉल्ट स्टेटमेंट। वैल्यू न्यूट्रल क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज़ प्रूव कर रहे हो, देन यू हैव टू कीप योर ओन व्यूज़, योर ओन वैल्यूज़, योर ओन आइडियाज़ इन फ्रंट, ओके। तो इस तरह से हम सी जो है इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटेजीज इज नॉट सुटेबल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्नर इन साइंस। ओके, फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो है विच वन इज़ नॉट सुटेबल, जर्नल राइटिंग, ओके, फील्ड ट्रिप, टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट एंड कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो इसमें जो है कॉन्सेप्ट मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फील्ड ट्रिप भी हेल्प करता है, जर्नल राइटिंग भी हेल्प करता है। सो सी इज़ द आंसर, टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट इज़ नॉट सुटेबल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स इन साइंस। तो ये है आज के हमारे क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और आई होप कि आपको समझ आए होंगे, आपको हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक।